फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां गया। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। उसने उससे कहा,
पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है।